ज्यादातर लोग सुपारी का इस्तेमाल या तो खाने के लिए करते हैं या फिर पूजा पाठ के लिए, लेकिन झांसी के रहने वाले आनंद निगम इस सुपारी से बेहद की शानदार कलाकृतियां बनाते हैं और जो भी इनकी कलाकृतियों को देखता है वह टकाटक ही देखता रह जाता है। बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्त आनंद निगम 37 साल की उम्र से सुपारी को शानदार रूप दे रहे हैं। दरअसल आनंद निगम ने चीन के एक म्यूजियम में सुपारी से बनाई गई कलाकृतियों को देखा और इसके बाद उन्होंने खुद भी ऐसा ही कलाकृति बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने विशेष तौर पर एक ऐसा औजार तैयार करवाया जिसकी मदद से आसानी से सुपारी को छीला जा सके और फिर उन्होंने अपनी कल्पनाओं को सुपारी में उकेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सुपारी से ही ताजमहल बनाया। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है। आनंद निगम ने सुपारी से ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, कई प्रकार के वाद्य यंत्र, भगवान शिव का मंदिर और मृदंग जैसी अनेक वस्तुएं तैयार की हैं। साल 1998 में यूनेस्को द्वारा उन्हें कला विभूषण सम्मान से नवाजा गया। 2003 में उनके कलाकृतियों की प्रदर्शनी लंदन में लगाई गयी।